बाबा का दर्शन करने में आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि बाबा अब आ रहे हैं, बाबा अब आ रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं आ रहा है, बाबा का पोता सब है। इतना भीड़ हो गया है, इतना भीड़ हो गया है, हमको अनिसाबाद से यहाँ पे आने में कम से कम 2 घंटा का समय लगा, तो सोच लीजिए कितना जाम होगा। पूरा पटना जाम हो गया है। हाँ, पूरा पटना एक जाम के आने से, बस हिंदू के आने से पूरा पटना जाम हो गया है। हाँ हाँ, बाबा का चाहने वाले यहाँ करोड़ों में लोग हैं और यहाँ दुनिया इनका चाहने वाला है। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, बाबा का कथा सुनने आए, बाबा का दर्शन करने आए, अर्जी लगाने आए हैं? दर्शन करने आए हम। अच्छा अच्छा, नहीं तो अगर अगर आप लोग आज पहला दिन आए। अच्छा, अपना पर्सनल गाड़ी से आप लोग आए क्या? अच्छा, पर्सनल गाड़ी से आए, क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग भी आ रहे थे तो 5-6 किलोमीटर पहले से जाम लगा हुआ था। अच्छा, सुबह, अच्छा सुबह से आप लोग आए, तो खैर कल आप लोग, अच्छा आप लोग आज, आप लोग आज पहला दिन है। देखिए आज भी है पंडाल में पूरा भीड़ लगा हुआ है, मतलब पूरा नहीं तो बाबा का यहाँ पे भी दर्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत ही होगा, क्या है कि हम लोग भी थे यहाँ पे जब कल बाबा आए थे, तो रिकॉर्ड करने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आम लोग को जैसे गुमराह किया जा रहा है ना कि बाबा इधर से आगे, बाबा इधर से आए, तो ऐसे बाबा नहीं आते हैं। बाबा आते हैं ना खुला गाड़ी में आते हैं, ठीक है, और हाँ तो आप अगर चाहिएगा नज़दीक से जाके देखने में तो नहीं देख पाइएगा, अगर आप यहाँ दूर से खड़ा रहिएगा तो बाबा को आप अच्छा से दर्शन कर सकते हैं। और जितना मोबाइल वाला है ना सब वो आगे से बाबा को घेर लेगा पूरा। अच्छा, बाबा आते हैं खुला गाड़ी पे आते हैं ऊपर में, तो वहाँ पे आप अच्छे से, नहीं तो यहाँ नहीं, नहीं इसके अंदर जब एंट्री करेंगे बाबा तो खुला गाड़ी में आए हैं। हाँ, तो उनके साथ काफ़ी सारा गाड़ी वगैरह रहता है आगे से। कल 4:50 पे बाबा आए थे और अभी भी 4:30 तो कुछ ही देर बाबा का एंट्री, से बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो उम्मीद है आप लोग बाबा का अच्छा से दर्शन कर पाएंगे, काहे कि LED लाइट यहाँ पे ख़राब है, इससे बहुत लोगों को इशू हो रहा है, क्योंकि मतलब आँख से देखना यहाँ पे संभव नहीं है बाबा को, ठीक है। और कल क्या हुआ था कि पूरा LED लाइट जितना भी यहाँ पे लगाया हुआ सारा वो ख़राब था, आज भी अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। हाँ, एक भी LED लाइट नहीं दिख रहा है, मतलब जल नहीं रहा है, वहाँ से तो आप बाबा को नहीं देख सकते हैं जितना भी LED लगाया हुआ है स्क्रीन वगैरह। तो चलिए, पानी है 2 घुटले? हाँ ले सकते हैं, ले लीजिए, अच्छा वाला पानी। गर्मी से हालत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है, हम लोग को भी बहुत यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे भी देखिएगा, नहीं सुबह की बात नहीं, बाबा का दर्शन करने में आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि बाबा अब आ रहे हैं, बाबा अब आ रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं आ रहा है, बाबा का पोता सब है। अच्छा, एक मिनट, धाम सरकार की, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं कि अर्जी लगाने आप लोग आए हैं? हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं और अर्जी भी लगाए आने, हिंदू राष्ट्र भी बनाने आए। अच्छा, और हम लोग भारत वर्ष को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। कौन से हम तो यहीं पटना से हैं। अच्छा, आप यहीं से हैं जी, आपका शुभ नाम जी? जी, मेरा नाम प्रियांशु सिंह। और अभी तक बाबा नहीं आए हैं यहाँ पे, और जो पटना में पहले गांधी मैदान में इतना भीड़ हो गया है, इतना भीड़ हो गया है, हमको अनिसाबाद से यहाँ पे आने में कम से कम 2 घंटा का समय लगा, तो सोच लीजिए कितना जाम होगा। पूरा पटना जाम हो गया है। हाँ हाँ, पूरा पटना जाम के आने से, बस हिंदू के आने से पूरा पटना जाम हो गया है। हाँ हाँ, बाबा का चाहने वाले यहाँ करोड़ों में लोग हैं और यहाँ दुनिया इनका चाहने वाला है, पूरा दुनिया चाहने वाले हैं। और क्या है कि पूरा बिहार उठ के यहाँ पे आया, बिहार से कि नेपाल से लोग यहाँ से पूरा वर्ल्ड से आए, वर्ल्ड से आए, और बहुत ज्यादा भीड़ है। जहानाबाद जिला से आए हैं। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र कुमार। अच्छा, आप लोग अपना पर्सनल गाड़ी से आए या टेम्पो वगैरह करके? गाड़ी से आए हैं, तो ज्यादा भीड़ लगा जहानाबाद से। अच्छा जी, आप लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा, एक बार बाबा का नाम का जयकारा लगा दीजिए। धाम की जय। थैंक यू।